probability that it is either king or queen. What is the probability? What is the probability? What is the probability? Probability that it is either king or queen. Either king or queen. Okay, चलिए. खत्म हो गया टाइमर. ओके, 1/21. ओके, इसकी कितनी आई? अ बैग कंटेंस, यहां पे देखिए भाई, ए बैग कंटेंस 4 black and 5 red balls. ओके, 4 black and 5 red balls. इफ 3 balls आर चूजन एट रेंडम, व्हाट इज द चांस दैट ऑल द 3 balls आर ब्लैक. हमारी बैग में कितने हैं? 9 balls है, तो 9 में से 3 सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो गए? 9c3. ओके, ये अपना टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स है. फिर अपने को क्या चाहिए? बोला है तीनों के तीनों बॉल जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो कहां से आने चाहिए? ब्लैक से. तो 4 में से 3 अपन सिलेक्ट करेंगे. ओके, इसको सिलेक्ट करो. देखो 1/21 सही है क्या? 1/21, आर यू श्योर? ओके, चलिए इसको देखिए भाई. चलो टाइमर स्टार्ट करो फिर से, आज मैं तुमको परेशान करूंगा थोड़ा. ओके, 1 मिनट का टाइमर स्टार्ट. ओके, चलिए ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए. हैं जी, हैं जी, 2/13, किसी ने बोला 2/13, किसी ने बोला 8/52, मतलब वही होता है. ओके, चलिए. If from a pack of 52 one card is drawn at random, one card is drawn at random, मतलब एक कार्ड को चुनने के कितने तरीके हुए? 52 तरीके. At random, what is the probability it is either king or queen? Okay, king, king को एक कार्ड चूज करना है, तो king को कितने तरीके से चूज कर सकते हैं? 4 तरीके से. queen को भी 4 तरीके से, तो 4c1 plus or है, और ये वर्ड आपको दिखना है, और मतलब एडिशन, और मतलब एडिशन. ओके, चलिए इसको मैं अभी क्या टाइमर लगाऊं. प्रोबेबिलिटी, तो एक कार्ड सेलेक्ट करने कितने तरीके? 52 में से 52 या 52c1. ओके, 52c1 लिख सकते हैं, 52 एक कार्ड में डायरेक्ट नंबर्स लिख सकते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं होती है. और एक क्वीन आ जाए तो किंग अपने पास 4 होते हैं, 4 में से, तो एक किंग को 4 किंग है, एक किंग को चुनने के 4 तरीके. ओके, और या और मतलब प्लस क्वीन को भी चुनने के 4 तरीके. तो आंसर क्या आएगा? 8/52, डेट इज कितना आएगा? 2/13 आंसर. 2/13 आंसर. ओके, तो इसमें टाइमर, अरे टाइमर वाइमर बंद कर दो सब टाइम. ओके, चलिए ओके, चले चलते, चलिए ओके, चलिए चलो 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 चले चलो चले. मैं यहां क्वेश्चन लिख देता हूं ताकि टाइमर में स्टार्ट करवा दूं आप लोगों के लिए. ओके, क्वेश्चन यहां पे लिखते हैं अपन. क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम, क्वेश्चन नंबर क्या है भाई? 8 है कि 9 है? फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स. फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम. तीन कार्ड एक साथ निकाल लिए. 3 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम. ओके, एट रैंडम. मेरे साथ क्वेश्चन लिखते चलो. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए किंग, ए क्वीन एंड ए जेक. जेक माने जोकर, है ना? जोकर, जेक माने जोकर. ओके, 1 मिनट का टाइमर स्टार्ट करो. ओके, जेक माने जोकर, वो था ना हेरा फेरी में था, ए जोकर,
नहीं, कुकड़ू कु नहीं, जोकर, क्या बोले, जोकर, तेरी पतलून गिर गई, ऐसा था ना। ओके चलिए, चलो ये दोकल। ओके इसको अभी एग्जाम्पल नंबर, कहां कहां मैं भटक रहा हूं। एग्जाम्पल नाइन, एग्जाम्पल नाइन, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ लेस देन ट्वेल्व इन द थ्रो ऑफ टू डाइस, इन द थ्रो ऑफ टू डाइस, इन द थ्रो ऑफ टू डाइस। ओके चलो इसका देखो, प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन जनरली ऐसे ही मिलेंगे आपको, बड़े बड़े बहुत मुश्किल से मिलेंगे, है ना। प्रोबेबिलिटी का यही फायदा है। पहले का क्या आया, पहले का, ओ माई काट, पहले का क्या आया जी, पहले का, चलो दूसरे का निकालो, पहले का क्या आया, मैं केलसी घर छोड़ के आ गया। ओके चलिए पहले का देखो, इधर क्या करना है, 50। ओके यहां पे रेंडम लिया, वन बाय वन नहीं, रेंडमली कार उठा रहे हैं, 52 में से कार उठा रहे हैं, कितने, 52 में से तीन कार उठाने कितने तरीके। ओके और हमको क्या चाहिए, एक किंग, किंग एक किंग उठाने का, एक चार में से, एक चार में से कोई भी आ सकता है, एंड एक क्वीन, एंड एक जैक, एंड एक जैक। तो ये आपका आएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, इसको सॉल्व करो आगे जो भी आया आंसर। ओके क्लियर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ टोटल ऑफ लेस देन 12 इन द थ्रो ऑफ टू डाइस। तो देखो आपने जब टू डाइस फेंके, ओके तो डाई वन, ये डाई वन, ये आपका डाई टू। ओके दो डाइस जब फेंकते हो तो पहले डाइस पे, यहां पे फर्स्ट डाइस एंड सेकंड डाइस फेंका। ओके दो डाइस, दो जैसे हम जनरली खेलते हैं ना, तो जनरली जब लूडो खेला जाता है तो ओके, तो लूडो में हम तो एक डाई यूज करते हैं। ओके ये दूसरा गेम होता है जिसमें दो डाइस यूज करते हैं। ओके ये कुछ और होता है, षड्यंत्र। ओके चलिए, ये वो तो नहीं है जो महाभारत में खेले थे, दो डाइस थे महाभारत में है। ओके तो डाई वन पे कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, छह, डाई टू पे कितने, छह, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, 36। ये सबको पता है, डाई वन पे छह चांस है, डाई वन पे छह आउटकम, 1 2 3 4 5 6, डाई टू पे भी छह, 1 2 3 4 5 6। ओके क्लियर यहां पे इतनी बात। यहां पे देखिए, अभी यहां पे देखो 36 यहां पे आउटकम पॉसिबल है, कैसे, आपके पास पहले डाई पे वन आ सकता है, दूसरे पे वन, पहले पे वन टू वन थ्री 1 4 1 5 1 6, ऐसे ही टू के लिए छह, ऐसे ही तीन के लिए छह, ऐसे ही चार के लिए छह, ऐसे ही पांच के लिए छह, ऐसे ही छह के लिए छह। ओके तो बेसिकली आपके पास दो डाई जब फेंकते हो तो 36 पॉसिबल आउटकम्स है। हमारे लिए कौन से आउटकम, वो सारे के सारे 36 इक्वली लाइकली है, और हमारे पास, हमें किस में इंटरेस्टेड है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ लेस देन 12 इन द थ्रो ऑफ टू डाइस। ओके तो देखो यहां पे जब हम दो डाइस फेंक रहे हैं तो एक ही आउटकम है जिसमें 12 आएगा, 6 और 6, इस डाई पे भी 6 आ गया और इस डाई पे भी 6 आ गया, तभी आपका क्या आएगा, 12 आएगा, तभी क्या आएगा, 12। ओनली आउटकम आउटकम विल बी 12 ओनली ओनली इन वन केस, ओनली आउटकम विल बी 12 ओनली इन वन केस, ओनली इन वन केस। ओके और हमारे पास टोटल केसेस कितने हैं, 36। ओके टोटल केसेस कितने, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने होंगे, देखो यहां पे हमें कौन से केसेस चाहिए जो 12 से कम हो, जो 12 से कम हो, और जब डाइस फेंकते हैं तो
ओके। और जब डाइस फेंकते हैं, और जब डाइस, मैंने तो नहीं खेली कभी भी, दो डाइस वाली गेम अपन ने नहीं खेली है, ओके, अपन को नहीं पता। तो जब दो डाइस फेंकते हैं तो एक ही पॉसिबल केस है, एक आउटकम जब 12 आएगा वो एक ही केस बनता है 6 और 6 का, कौन सा, 6 और 6 का, ओके। और हमें कौन से आउटकम्स में, हमें कौन से इवेंट में इंटरेस्टेड है, जिसमें हमारा इवेंट क्या है, 12 से कम होना। तो अगर इस आउटकम को छोड़ दे, बाकी आपके पास कितने आउटकम बचेंगे, 35 आउटकम। तो वो 35 आउटकम हमारे इवेंट को फेवर कर रहे हैं, हम वो इवेंट हमारे फेवर कर रहे हैं, वो 35 आउटकम हमारे इवेंट को फेवर इसलिए कर रहे हैं कि वो सारे के सारे 35 आउटकम में देखोगे हमेशा जो टोटल होगा वो 12 से कम होगा, इस एक आउटकम को छोड़ के। तो यहां पे हम बायजेक्शन रूल लगाएंगे, 36 में से इस एक को काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 35। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 35 और ये क्या आया, 36। ये अपना आंसर, ये अपना आंसर, ओके, ये अपना आंसर, ठीक है, ये अपना आंसर। चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, ओके ओके, चलिए ओके, चलिए चलिए यहां पे, चलिए यहां पे। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 9, क्वेश्चन नंबर 9, ओके। चलिए यहां पे देखते हैं, ओके, अभी इसको मुझे बताओ क्या होगा इसका आंसर। अभी यहां पे देखिए, यहां पे समझो, है ना, इसको समझो, क्वेश्चन कर लिए ना अभी, चलो ओके, चलिए 9 क्वेश्चन कर लिए और करेंगे ना। सर्कुलर परम्यूटेशन, इसको समझिए जरा, इसमें मैं इतना डीप में नहीं जाएंगे, ओके। अभी तक किसी को कुछ दुविधा तो नहीं है ना, अभी तक दीपक को कुछ दुविधा नहीं है, ओके, दीपक प्रोबेबिलिटी समझ चुका है, आप लोगों को कुछ दुविधा है, लॉजिक समझ में आ रहा है, जब आप कोई भी चीज करते हो प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी तो प्रैक्टिकल लाइफ प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। देखो ये क्लासिकल प्रोबेबिलिटी है, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है, मैं आपको, दो प्रोबेबिलिटी होती है, एक क्लासिकल और एक ऑब्जर्व प्रोबेबिलिटी, ओके। तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी में, ऑब्जर्व प्रोबेबिलिटी में कराऊंगा, जब प्रोबेबिलिटी का लास्ट बेस थ्योरम खत्म हो जाएगा उसके बाद अपन करेंगे ऑब्जर्व प्रोबेबिलिटी, उसके में कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, देखो ऑब्जर्व प्रोबेबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है। तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का मतलब है इवेंट हुआ नहीं है, इवेंट हुआ नहीं है, होने की क्या परसेंटेज है वो हम निकाल रहे हैं, ओके। क्लासिकल और ऑब्जर्व प्रोबेबिलिटी में इवेंट ऑलरेडी हो चुका होता है, ओके, ये बात आई समझ में। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी में इवेंट हुआ नहीं है, इवेंट हैज नॉट अकर्ड, ओके, इवेंट हैज नॉट अकर्ड। और जो ऑब्जर्व प्रोबेबिलिटी है उसमें इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड, इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, उसके बेसिस पे हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ये बात आई समझ में, क्लियर हुआ, ओके। जैसे कि मैं आपको पूछूं, जैसे कि मैं आपको पूछूं कि जहीर खान है, ओके, जहीर खान, ओके, जहीर खान है, जहीर खान, अभी ये ऑब्जर्व है, ये डेटा मेरे पास है, ओके, जहीर खान को 500 मैंने, जहीर खान को मैंने 500 चांस दिए थे, 500 चांस, उन 500 चांस में से उसने 400 बार बॉल स्टंप्स को हिट किया, ओके। अरे कुछ यहाँ पे कमेंट्स रुक क्यों जाते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, या ये लोग गूंगे बहरे हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं मुझे समझ नहीं आता, ओके। चलिए यहां पे देखिए, ये क्या निकाल रहे हैं, इवेंट हुआ नहीं है, इवेंट हैज नॉट अकर्ड, और हम प्रोबेबिलिटी अपना एस्टिमेशन बता रहे हैं। अभी एक इवेंट ले लो जो हो चुका है, लेट अस से मैं बोलूं कि जहीर खान को 500 चांस मिले थे, उसने 500 में से 400 बार बॉल स्टंप में मारा, तो उसको स्टंप में, उसकी, जहीर खान की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फिर बॉल को स्टंप पे मारेगा, ओके, ये बात आई समझ में, क्लियर हुआ। तो जहीर खान है जो इंडिया का, अभी रिटायर हो चुका है जहीर खान, एक बॉलर है अपना, ओके, जिसका परफॉर्मेंस था खतरनाक, स्विंग कैसे करता था, स्विंग, ओके। तो सुन रहे हो तुम लोग, ओके, मुझे लगता है तुम लोग कमेंट नहीं करते तो मुझे कुछ डाउट होने लगता है। तो जहीर खान है, जहीर खान को 500 मैंने, मतलब 500 मैंने उसको दिए, क्या 500 ट्रायल्स मैंने दिए थे, ये मेरे पास रिकॉर्डेड डेटा है कि जहीर खान को 500 ट्रायल्स मिले थे, 500 में से उसने 400 बार विकेट को हिट किया, तो मैं बोलूंगा कि जहीर खान की विकेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सीधा आंसर आएगा इसका 400 डिवाइड बाय 500, ओके, 400
400 डिवाइड बाय 500, इसको बोलते हैं ऑब्जर्व्ड प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं? ऑब्जर्व्ड प्रोबेबिलिटी। ओके, आई इतनी बात समझ में? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ऑब्जर्व प्रोबेबिलिटी का, मैं बताऊंगा, एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा अभी। चलो सर्कुलर परम्यूटेशन। ओके, चलिए यहां पे देखो, यहां पे देखना सर्कुलर परम्यूटेशन, इसके आगे जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड होगा सर्कुलर परम्यूटेशन से। लेट अस से ये एक सर्कुलर टेबल है। ओके, सर्कुलर टेबल, यहां पे मुझे चार लोगों को बिठाना है, तो कितने तरीके हैं वो बेसिकली मुझे देखना है। चार यहां पे लेट अस से ये एक बैठा है, ये दूसरा, ओके, ये तीसरा, ये चौथा, ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है, ये अपने पास सी है, ये अपने पास डी है। ओके, क्लियर? ये अपने पास ए है, ये अपने पास 4/5, वेरी गुड। ओके, तो इसको हम बोलते हैं ऑब्जर्व्ड प्रोबेबिलिटी। ये अपना क्या है जो पढ़ रहे हैं? क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। ओके, तो यहां पे देखिए सर्कुलर परम्यूटेशन, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन है इसलिए मैं करवा रहा हूं सर्कुलर परम्यूटेशन। मुझे, मेरे पास चार डिफरेंट पर्सन से, मुझे इनको चार, मतलब एक सर्कल है वहां पे चार सीट पड़ी है, वहां पे इनको मुझे क्या करना है, मतलब बिठाना है। तो कितने तरीकों से मैं बिठा सकता हूं वो देखो। अभी एक तो तरीका ये है, ए यहां पे आ जाए, बी यहां पे आ जाए, सी यहां पे आ जाए, डी यहां पे आ जाए। क्लियर इतनी बात? ओके, तो दूसरा देखो तरीका क्या है, एक तरीका ये है। ओके, एक तरीका क्या है, ये है। तो यहां पे देखो अभी दूसरा मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं रोटेट मारता हूं, है ना, रोटेट मारता हूं क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। मैं क्लॉकवाइज रोटेशन मारता हूं तो डी इधर आ जाएगा, फिर से ए, एक एक एक, ओके, एक एक एक, ओके। तो एक्चुअली यहां पे देखेंगे कृपया करके कि डी यहां पे आ गया, ए यहां पे आ गया, बी यहां पे आ गया और सी यहां पे चला गया। ओके, फिर एक और केस देखते हैं, यहां पे जरा देखिए, एक और केस ले लेते हैं, एक और केस, अभी शांति से समझिएगा, एक और केस, एक और केस, एक और केस, ये होता है अपना क्या, एक और आगे ए और यहां पे आएगा बी, यहां पे क्या आया सी और यहां पे क्या आया डी आया, यहां पे क्या आया डी आया। ओके, चलिए इसको देखिएगा अभी, इसको देखना, ये देखो ए, ये क्या हुआ सी, ओके, एक और केस, ये देखो, ये देखिए, ये क्या हो गया अपना, अभी एक और आगे चले गए तो यहां ए आ गया, यहां बी आ गया, यहां सी आ गया, यहां डी आ गया। ओके, तो देखो मुझे क्या करना है, जब मेरे पास चार डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो उनको एक रो में अरेंज करना है तो उसकी फॉर्मूला क्या है, आर फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल। ओके, तो पहला स्टूडेंट देखिए, यहां पे देखिए, पहले स्टूडेंट क्या सोचेगा, पहले स्टूडेंट ये सोचेगा, ध्यान से देखो, ध्यान से, पहले स्टूडेंट ये सोचेगा कि यहां पे चार ऑब्जेक्ट्स हैं, चार को मुझे परम्यूट कराना है, तो क्या लिखेगा डायरेक्ट फोर फैक्टोरियल, क्या लिखेगा फोर फैक्टोरियल। ओके, क्या लिखेगा फोर फैक्टोरियल। अभी ध्यान से सुनो, अभी ध्यान से सुनो, ये ए है, ओ माय गॉड, ये ए बैठा हुआ है, ठीक है, ये ए बैठा हुआ है, यहां पे देखो ऐसा समझो ए बैठा हुआ है, तो ए के राइट हैंड साइड पे बी है, ओ सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे बी है, ओके, और राइट हैंड साइड पे यहां पे डी है। ओके, और ऑपोजिट में क्या लगा हुआ है, सी बैठा है, ये बात आई समझ में। अभी ए को मैंने घुमा दिया, तो अभी भी देखो विथ रिस्पेक्ट टू ए सब चीजें सेम है। अभी यहां पे देखो ए के रिस्पेक्ट में, ए के यहां पे देखिए राइट हैंड साइड पे बी है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है डी है। ओके, यहां पे देखो मैं ऐसे समझा रहा हूं, फिर उधर से मैं घूम गया ना, ये देखो राइट हैंड साइड पे डी है, लेफ्ट हैंड साइड पे बी है। सिमिलरली यहां पे देखोगे राइट हैंड साइड पे डी है, लेफ्ट हैंड साइड पे बी है, ए सी के ऑपोजिट में। यहां पे भी देखोगे ये अपना ए राइट हैंड साइड पे डी है, ए लेफ्ट हैंड साइड पे बी है, ऑपोजिट में सी। यहां पे देखेंगे राइट हैंड साइड पे डी है, लेफ्ट हैंड साइड में बी और ऑपोजिट में सी, ऑपोजिट में क्या है सी है। तो ये एक्चुअली एक, ये एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ओके, एक दो तीन चार, तो एक दो तीन चार, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये सारे के सारे अरेंजमेंट्स क्या है सेम है, सेम है इन द सेंस कि यहां पे जब मैं घुमा रहा हूं, ठीक है, जब मैं घुमा रहा हूं यहां पे एक दो तीन चार, क्या कर रहा हूं घुमा रहा हूं, तो यहां पे ए के रिस्पेक्ट में सारी चीजें सेम है, सारी चीजें सेम है। यहां पे ए के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट में सी था, यहां पे भी ऑपोजिट में सी है, यहां पे भी ऑपोजिट में सी है, यहां पे भी ऑपोजिट में क्या है सी है। यहां पे आपका क्या था, ए के आपके लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था, सॉरी राइट हैंड है ना, ये राइट हैंड है कि लेफ्ट हैंड, राइट हैंड पे डी था, यहां पे भी डी, यहां पे भी डी, यहां पे भी डी, लेफ्ट हैंड पे बी था, यहां भी बी, यहां पे भी। तो अगर ए के रिस्पेक्ट में देखें ये सारों चारों की चार पोजिशन क्या है सेम है, चारों की चार पोजिशन क्या है सेम है, ये बात आई समझ में, क्लियर हुआ। तो एक्चुअल में परम्यूटेशन क्या था फोर फैक्टोरियल, क्या था फोर फैक्टोरियल, लेकिन ये चार केस एक ही केस है, लेकिन इसमें चार बार काउंट हो चुके हैं, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे चार से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या जाएगा
थ्री फैक्टोरियल, क्या आ जाएगा, थ्री फैक्टोरियल। ओके, तो इसका मतलब क्या है, अगर हमको ध्यान से सुनो, अगर हमको एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, ओके, if we want to permute n objects in a circular arrangement, then possible number of arrangements कितने होंगे भाई, n माइनस वन फैक्टोरियल, क्या होगा, n माइनस वन फैक्टोरियल। इसको नोटबुक में उतार दो, बस अपना इतना ही काम का है, क्योंकि आगे जो प्रॉब्लम आने वाला है वो इससे रिलेटेड है। ओके, बाकी अपने को गैप मेथड, टाइम मेथड ही कॉन्सेप्ट लगाना है। ओके, क्लियर, ठीक है, इसको नोट कीजिए, इस कॉन्सेप्ट को नोटबुक में उतार दो, क्योंकि 10th नंबर प्रॉब्लम आपका इस कॉन्सेप्ट पे आने वाला है। ओके, चलिए, वैसे नहीं पढ़ाना था क्योंकि एग्जांपल इसके रिलेटेड है, तो मैं पढ़ा रहा हूं। ओके, चलिए, चलो जल्दी, ओके, जल्दी 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 करो, जल्दी करो, जल्दी इसको नोट करो, तो मैं आगे बढ़ू, एग्जांपल लिखवाऊंगा, जल्दी है, जल्दी करी, जल्दी, क्या चल रहा है, हाँ, इसमें नोटिफिकेशन आ रही है कि श्रीलंका और इंग्लैंड का मैच चल रहा है 50 ओवर्स का, आपको बता रहा हूं, मैं अपडेट बता रहा हूं, श्रीलंका का स्कोर हुआ है 132 पे 3 विकेट, 26 ओवर हो चुके हैं, 50 ओवर का गेम है, और ये मैच चल रहा है इंग्लैंड से लाइव। ओके, क्लियर, और आपको दूसरी बात मैं ये बता दूं कि क्या बता रहा हूं कि वॉक्स ने आउट कर दिया इस बंदे को। ओके, वॉक्स ने लिए हैं 3 विकेट, चलिए ये अपडेट हुई आपकी, अरे बाप रे, क्रिकेट ही खुल गया ये तो। ओके, चलिए, यहां पे देखो आगे का प्रॉब्लम यही है, लेकिन इसमें हम वो टाई वाई वाला जो मेथड लगा था, टाई वाला, वो इधर भी एप्लीकेबल है। ओके, कैसे, मैं आपको बताता हूं, आपको बताएंगे, आपको क्या हुआ, चलिए, चलो यहां पे बढ़ता हूं आगे। ओ माय गॉड, कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम नहीं हो गया आज, सिर्फ प्रॉब्लम ही होगा आज, सिर्फ प्रॉब्लम ही होगा आज, मैं कसम खा के आया हूं, सिर्फ प्रॉब्लम करवाऊंगा। ओके, कसम इस धरती की, चलिए, ओके, वेरी गुड, चलो एग्जांपल नंबर टेन क्या है, एग्जांपल नंबर टेन कहां गया, एग्जांपल नंबर टेन, इफ ट्वेल्व पर्संस आर सीटेड एट ए राउंड प्लेस, राउंड प्लेस मतलब वही सर्क्यूलर अरेंजमेंट। ओके, एट ए राउंड टेबल, राउंड प्लेस या राउंड टेबल, अभी क्या है ये सब, राउंड टेबल, ओके, राउंड टेबल, व्हाट इज द प्रोडक्ट, टू पर्टिकुलर पर्सन सिट टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ओह माय गॉड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू पर्टिकुलर पर्संस, दो हमें पर्टिकुलर पर्सन सिलेक्ट करने हैं उसमें, टू पर्टिकुलर पर्संस सिट टुगेदर, निकालो, ओ माय गॉड, खतरनाक क्वेश्चन आज का सबसे खतरनाक, ये सॉल्यूशन आपके लिए, ये सॉल्यूशन। ओके, चलिए, चलो फाइंड करो इसको, मैं देखो इसमें क्या बोला है, टू पर्टिकुलर पर्सन, लेटर से वो ए एंड बी, तो वो उनको उसको क्या करना है, एक साथ बिठाना है मतलब दोनों को बांधना है मतलब एक यूनिट उसको अज्यूम करना पड़ेगा, जो अपने टाई मेथड में करते थे वही लगाना है, बस यहाँ पे डिफरेंट क्या है, राउंड टेबल आ गया है, क्या आ गया है, राउंड टेबल। ओके, चलो इसको सोल्व करो, थोड़ा सा पानी पी ले अपन।
क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं, ओ माई गुडनेस, थोड़ा दिमाग लगाइए, फंस चुके तुम इसमें। टाई मेथड में कुछ और भी करते हैं, तुम लोग लगते हैं भूल गए। टाई मेथड में हम परम्यूट करते हैं, एक यूनिट मान के मैं चलता हूं, समझता हूं, ओके एक यूनिट मान के, तो कुछ और भी करते थे टाई मेथड में बाबा। यस, अभी देखो सबने, जैसे ही मैंने बोला सबने मिस्टेक करेक्ट कर दी और फिर बार बार आंसर लिख रहे हैं। टाई मेथड में और कुछ भी करते थे, ए बी को बांधते थे, लेकिन उनको आपस में भी तो परम्यूट करवाना पड़ेगा ना। ए बी को बांध दिया लेकिन वो आपस में तो परम्यूट हो सकते हैं ना, आगे पीछे दाएं बाएं, समझे? तुम लोग वहीं पहले मिस्टेक किए, तुम लोग कुछ देखो ऐसे ही करोगे तुम एग्जाम में, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया। तो कैसा लगा मेरा मजाक? ओके, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पे कितने होंगे भाई? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पे कितने जरा देखिए, बस सिंपल 12 बंदे हैं, इनको टेबल पे अरेंज करना है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? 12 पर्सन है, इनको टेबल पे अरेंज करना है। ओके, कितने होंगे? 11 फैक्टोरियल, क्योंकि राउंड टेबल है। ओके, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पे कितने होंगे जरा देखते हैं। हमें क्या करना है, टू पर्टिकुलर पर्सन को एक साथ बिठाना है। तो टू पर्टिकुलर पर्सन को एक साथ बिठाना है तो हम उसको एक यूनिट मान लेते हैं, ए और बी। तो अगर 12 बंदे में से आपने दो बंदों को एक यूनिट मान लिया तो टोटल अभी आपके पास हो गए 11 बंदे, ऐसा समझ लो 11 बंदे हो गए। उनको राउंड टेबल पे अरेंज करना तो कितना होगा, 10 फैक्टोरियल, लेकिन ये दो बंदे आपस में तो परम्यूट कर सकते हैं, इसलिए क्या होगा, इंटू 2 फैक्टोरियल। ओके, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा भैया, 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई क्या होगा, 11 फैक्टोरियल। क्या होगा, 11 फैक्टोरियल, 11 10 कट हो जाएगा, तो ये क्या आया, 12/11। सबका आया आंसर, तो कैसा लगा मेरा मजाक? तो राउंड टेबल से ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, बिल्कुल किया जाएगा। ओके, तो ये सबको समझ में आ गया? हेलो 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 हेलो, हाय, टाटा, बाय बाय, ओके खत्म, समझ में आ गया? तुम लोग पहले कर दिए थे गलती, एग्जाम में मेहरबानी करके मत करना गलती, चीजों को समझना। और गेट के जो भी प्रॉब्लम है प्रोबेबिलिटी के, मैं फिर से बता रहा हूं, गेट के जो भी प्रॉब्लम है प्रोबेबिलिटी के, आप बिल्कुल ऐसे आराम से ही सोच के सॉल्व करना, जल्दबाजी मत करना। अभी हमें और जैसे मैं कल पढ़ाऊंगा आपको सेट थ्योरी पढ़ाऊंगा कि सेट थ्योरी के रिलेटेड कैसे प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है, और दूसरा आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अभी अभी बाकी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बाकी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आएगा, उसके बाद बेस थ्योरम आएगा। टेंशन मत लेना कि सर आप तो यार टाइम पास कर रहे हो, टाइम पास नहीं करवा रहा हूं, अगर मैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ाता तो ये खत्म हो जाता तुम लोगों का, ठीक है? ठीक है, ये बात आई समझ में? ओके, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन नहीं सिखाया होता तो ये तुम लोगों को कुछ ऊपर ही चला जाता, तो इसलिए मैंने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पहले ही पढ़ा दिया था। ओके ओके, तो बाय बाय, ठीक है, आप लोग जाइए, मैं तो पढ़ाऊंगा यहाँ पे 7 बजे तक। ओके, जिसको जाना है जा सकता है। ओके, तो देखिए इसलिए मैंने क्या किया, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पहले ही, अगर हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में दो क्लास चली गई हमारे 6-5 घंटे वो नहीं जाते तो आज हमारी प्रोबेबिलिटी की लास्ट क्लास होती। ओके, और मेरे को भी शौक नहीं है ये कोर्स, तो ये मतलब खत्म ही होता जा रहा है, खत्म, मैथ्स का कोर्स खत्म ही नहीं हो रहा। आप लोगों को तो टेंशन हो गई होगी, सर 26 तारीख से कोर्स अपन ने स्टार्ट किया था, कौन सी तारीख है आज, 29 तारीख, 29 तारीख है, ये खत्म होने का नाम ही नहीं दे रहा ये चीज। ओके, तो खत्म होने का नाम चीज इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि सबसे बड़ा जो इसमें खत्म होने का ये नाम इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि जो सबसे बड़ा इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है नहीं खत्म होने, वो कैलकुलस का है। ओके ओके, तो इसमें सबसे जो कोर्स है ना ये, इसमें सबसे खत्म इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन कैलकुलस का है जिसमें अपन ने 55 या 60 घंटे शायद दे दिए। ओके, तो इस बैच को 55 या 60 घंटे दिए गए हैं, लेकिन आगे से मैं थोड़ा सतर्क रहूंगा कि 30 घंटे दू कैलकुलस में। ओके, और 60 घंटे देने के बाद भी क्या सुन रहा हूं मैं लोगों से कि कैलकुलस में आप जल्दी चले गए। ओके, तो फिर इसमें तो मैं और मजाक कर लिया होगा, डिफरेंशियल में, इसमें, उसमें, चलिए चलते हैं। ओके, आगे आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये प्रॉब्लम तो हमने कर लिया, अभी मैं मिक्सर उठा रहा हूं कहीं कहीं से, मिक्सचर प्रॉब्लम। ओके चलिए, ये हमने कर दिया क्या, ये भी हमने कर दिया,
ओके चलिए, अभी देखो आपका एनोलॉग, एनोलॉग में कितने दिन लगे थे, एनोलॉग और नेटवर्क थ्योरी में, एनोलॉग क्योंकि दो ही सब्जेक्ट तो खत्म हुए, एनोलॉग और नेटवर्क थ्योरी में आपको कितने दिन लगे थे, एनोलॉग में कितने दिन लगे, नेटवर्क थ्योरी में कितने दिन लगे, जरा बताना तो मुझे, मुझे आइडिया नहीं है। ओके मुझे आइडिया नहीं है। ओके चलिए, यहां पे देखिए, चलिए एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11, वॉट इज द चांस, वॉट इज द चांस, वॉट इज द चांस ऑफ, वॉट इज द चांस ऑफ गेटिंग, ऑफ गेटिंग 7 और बोला है, और 11 विथ टू डाइस, विथ टू डाइस, विथ टू डाइस। ओके वॉट इज द चांस ऑफ गेटिंग 7 और 11 विथ टू डाइस। ओके इस एग्जाम्पल को जरा देखिए, सॉल्व कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12, 7 कार्ड्स, 7 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रेंडम, 7 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रेंडम, एट रेंडम, एट रेंडम फ्रॉम फ्रॉम ए पैक ऑफ, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स। ओके क्लियर। है मैक्स के बाद, मैक्स के बाद आपका जो सिग्नल चल रहा है वो, और शाम को फिर ईएमएफटी भी चल रहा है ना, मैक्स के जो डबल ई के स्टूडेंट्स हैं, अभी देखो थोड़ा कैसा होगा, डबल ई के स्टूडेंट्स के लिए एक ही सब्जेक्ट चल रहा होगा सिग्नल एंड सिस्टम मैक्स के बाद, लेकिन फिर जब आपका आएगा मैक्स खत्म होगा या 4 तारीख को मैक्स, मैक्सिमम 4 या 5 तारीख को मैक्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर ईसी वालों के लिए डेंजर, ईसी वालों के लिए दो सब्जेक्ट हैंडल कर, डबल ई को एक ही सब्जेक्ट हैंडल करना है, सुबह को चलेगा सिग्नल, लेकिन ईसी का फिर शाम को ईएमएफटी रिज्यूम होगा, ईएमएफटी कंप्लीट नहीं हुआ है ईसी वालों का। ओके ओ माय गॉड, 170 घंटे अपन से ना हो पाएगा, 170, अपने भी 150 तक तो चले ही गए लगता है। 7 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी, इसको मुझे एग्जैक्ट आंसर देना, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी, नेटवर्क खत्म नहीं हुआ अभी तक, क्या बात कर रहे हो, क्या मजाक चल रहा है, 3 विल बी रेड, 3 विल बी रेड, क्या बाकी है तुम लोगों का भाई नेटवर्क में, अभी नेटवर्क तो सबसे पहले ही स्टार्ट हुआ था, 4 विल बी ब्लैक, 4 विल बी ब्लैक, 48 डेज चला था आपका, ओ माई गुडनेस, ये एनोलॉग है कि क्या है। ओके चलिए, हाँ यहां भी एस्टिमेटेड टाइम से 1 वीक ज्यादा लग रहा है। इसका पहले का क्या आया, पहले का वॉट इज द चांस ऑफ गेटिंग 7 और 11 विथ 2 डाइस।